अक्टूबर से शुरू होने वाले नए ऑयल ईयर 2022 की शुरुआत सोयाबीन के बेहतर और रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ होने जा रही है। सोयाबीन ऑयल प्रोसेसर एसोसिएशन यानी सोपा ने सोयाबीन और सोया उत्पादों की ताजा सप्लाई और स्टॉक रिपोर्ट जारी करते हुए ये दावा किया है। सोपा की रिपोर्ट से अब उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छे एंडिंग स्टॉक के असर से अब सोयाबीन की कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा और दामों में नरमी आ सकती है। सोपा की रिपोर्ट के अनुसार किसानों और स्टॉकिस्टों ने आगे ऊंची कीमतों की उम्मीद में अच्छा स्टॉक अपने हाथ में रोक रखा है। किसानों और ऐसे संस्थानों के पास 40 लाख टन से ज्यादा स्टॉक था। 12 से 13 लाख टन अगस्त सितंबर में क्रशिंग कर दिया जाता है तो भी नए ऑयल ईयर अक्टूबर की शुरुआत 27.72 यानी 27,72,000 टन स्टॉक के साथ होगी, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। सोपा की रिपोर्ट के अनुसार जारी ऑयल ईयर यानी अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 तक कुल 67,05,000 टन सोयाबीन की क्रशिंग हुई है, जो कि बीते वर्ष से 23% कमजोर है। बीते साल इसी अवधि में 27,05,000 टन क्रशिंग की गई थी। भारतीय बाजार में सोयाबीन की उच्च कीमतों के कारण सोया मील का निर्यात भी कमजोर पड़ा है। सोया मील के निर्यात में जुलाई तक करीब 69% की कमी दर्ज की गई है, जबकि देश में सोया मील की खपत बीते वर्ष से करीब 1 लाख टन ज्यादा होकर 55 लाख टन रही है। सोपा के निदेशक डीएन पाठक के अनुसार इस खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा बेहतर रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े भी यही कह रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार 117,50,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है। अच्छी बुआई और बेहतर कैरी ओवर स्टॉक के आने वाले दिनों में सोयाबीन और तेल के दामों में नरमी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।